असलम स्टूडेंट्स so, आज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर सिक्स है अदरवाइज जो है वो इसके आई थिंक सो टेन लेक्चर्स हो चुके हैं अच्छा आज हम लोगों ने जो रीड करना है वो है इंटरेक्टिव कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए किन किन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है लाइक इनपुट डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है प्रिंटर्स प्लॉटर्स इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस तो इस आज जो है वो हम इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ओके okay, जी फर्स्टली हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं uh, आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक का जो है वो चैप्टर नंबर फोर है ठीक है तो चैप्टर नंबर फोर के अंदर सबसे पहले जो है वो इनपुट डिवाइसेस का जिक्र किया गया है इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हम सब जानते हैं इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर से इनपुट लेने के लिए अब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के इनको डाटा देते हैं ताकि कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करे और हमारी इंफॉर्मेशन हमें दे दे अब यहाँ पर जो है वो इन्फॉमेसन के लिए अब कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट इस्तेमाल करता है लाइक कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस टच स्क्रीन डिजिटल कैमरा स्कैनर्स एंड अदर डिवाइज़ तो डिफरेंट जो है वो इनपुट डिवाइसिस का यूज़ होता है यहाँ पर सेकेंड इसमें चीज़ आती है कि कीबोर्ड क्या होता है तो कीबोर्ड क्या होता है कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस और आप सब जानते हैं कीबोर्ड के थ्रू जितनी भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड इनपुट कंप्यूटर को दिए देन कंप्यूटर के अंदर या कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज होती हैं जितने भी बटन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीज जो स्टैंडर्ड की होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्विटी की तो ये सारी वो चीजें जो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर चुके हैं देन इसके बाद जो है वो आती है कीबोर्ड की कीज़ आ जाती है उसके बाद आते हैं हमारे पास नमेरिक कीज़ होती हैं ठीक है कीज कौन सी होती हैं जो कि अः कीज़ होती हैं जिनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं इसके अलावा फंक्शन कीज होती हैं वन से एफ वन से लेकर एफ ट्वेल्व तक जितनी भी कीज़ होती हैं वो फंक्शन कीज होती हैं देन है. जो है वो हर फंक्शन की का फंक्शन कीज की फंक्शंस की इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट स्पेशल या फिर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन की का इस्तेमाल होता है उसके बाद होती है अल्फानुमेरिक कीज अल्फानुमेरिक कीज होती हैं जो ए टू जी हो सकती हैं या जीरो से नाइन तक हो सकती हैं, यानी कि इनके अंदर अल्फाबेटिक्स भी आएंगे और नोमेरिक नंबर्स में आएंगे देन बैक स्पेस की है इंटर की है कैप्स लॉक की है कैप्स लॉक की का आपको अच्छे से पता है कि कैप्स लॉक की होता है अपर केस में लेटर लिखना चाहते हैं या लोअर केस में तो उसके लिए हम कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा टैब की होती है टैब की जो है वो एक टूगल की होती है ये क्या करती है इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप और इसके अलावा मॉडिफायर कीज होती है मोडिफायर्ड कीज़ जो होती है स्पेशल यूज टू मोडिफाई द इनपुट ऑफ अदर कीज द स्पेसिफिक की इज प्रेस्ड वाइल होल्डिंग डाउन ऑन द अदर कीज मोडिफाइड कीज के अंदर जो है वो तीन टोटल कीज आ जाती हैं लाइक कट कंट्रोल की आती है आर्ट की आती है इसके अलावा शिफ्ट की आती है और आप सब जानते हैं कि कंट्रोल की आर्ट की या शिफ्ट की को हम कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं दूसरी कीज के साथ ताकि हम अपने स्पेसिफिक टास्क कर सकें जैसे कि अगर मैं कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करती हूँ तो वो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज होता है अगर मैं कंट्रोल प्लस एन यूज करूंगी तो वो किसी न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज होगा तो डिफरेंट यानी कि इनके यूज होते हैं उसके बाद आती है कर्सर कंट्रोल की अब कर्सर कंट्रोल की क्या होती है अब यहाँ पर जो है वो कर्सर कंट्रोल कीज होती हैं कंसिस्ट ऑफ एरो कीज होम पेज एंड पे होम आ सकती है इसमें पेज अब पेज डाउन ये डिफरेंट कीज होती है होम की का इस्तेमाल होता है बेसिकली अगर वर्ड प्रोसेसिंग की हम लोग बात करें तो ये कर्सर को जो है वो स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पर ले जाएगा एंड क्या करेगा स्क्रीन के बिल्कुल डाउन पर ले जाएगा इसके अलावा एरो लेफ्ट डाउन राइट ये डिफरेंट एरो कीज इस्तेमाल होती हैं देन पेज अप कैन पेज डाउन की ये भी क्या होता है पेज के टॉप पर ले जाने के लिए पेज अप की हो जाएगा या एक पेज पीछे ले जाने के लिए या पे डाउन की इसी तरह पेज डाउन करने के लिए यूज होती है तो ये डिफरेंट कीज हैं उसके अलावा स्पेशल पर्पज की अंदर स्केप आ जाएगी डिलीट की आ जाएगी इंसर्ट की आ जाएगी प्रिंट स्क्रीन की आ जाएगी स्क्रोल लॉक आ, आ जाएगा तो ये डिफरेंट कीज हैं जो कि कीबोर्ड के अंदर इस्तेमाल होती हैं और आप लोगों ने इनको लाइव जो है वो यूज करके देखा भी होगा उसके बाद जो है वो कीबोर्ड की टाइप्स होती हैं सबसे पहले तो क्वेटी कीबोर्ड होता है इसके अलावा एनहैंस कीबोर्ड होता है जो पुराना वर्जन है का जो बेसिक वर्जन है वो होता है कीबोर्ड क्योंकि इसके जो मिड में होती है ना वो यहाँ पर शो हो रही होगी ठीक है ये टैब के बिल्कुल साथ ये वाली लाइन के अंदर देखिए यहाँ पे क्यू डब्ल्यू आर टी वाई यू आई ओ पी तो ये इस लाइन की वजह से इसको क्वेटी की बोर्ड बोला जाता है देन इसके बाद आता है एनहेंस्ड की बोर्ड एनहेंस्ड की बोर्ड के अंदर उन्होंने क्या है कि फंक्शन की इसके अलावा दो कंट्रोल कीज टू आर्ट लाइक आर्ट की या एरो कीज एंड एडिशनल कीज बिटवीन टाइपिंग एरिया एंड द कीज तो ये डिफरेंट इनहेंस वर्जन के अंदर की बोर्ड थोड़ा और इनहेंस हो गया था उसके बाद आता है वायरलेस कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड इसी तरह होगा कि हम लोग जो है वो बगैर वायर के जो है वो कीबोर्ड को अटैच कर लेते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ तो वहाँ पर जो है वो वायरलेस का इस्तेमाल हो रहा होता है वायरलेस कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ फीचर्स एंड स्टाइल्स मैनी वायरलेस की बोर्ड मस्ट बी विद इन द लाइन ऑफ साइट एंड द रिसीवर विद अ मैक्सिमम रेंज ऑफ टेन फीट यानी कि जो रिसीवर है कंप्यूटर है वो दस फीट का कीबोर्ड के दरम्या में फ़ासला होना चाहिए तब जो है वायरलेसली आप की को अटैच कर सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ इसके अलावा जो है वो पोर्टेबल की होते हैं पोर्टेबल की होते हैं जो मिनिम छोटे साइज के की होंगे आप उसको किसी भी चीज के साथ अटैच करें और अपना काम कर लें जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है मोबाइल के साथ हम लोगों ने कीबोर्ड अटैच किया है ठीक है तो ये पोर्टेबल कीबोर्ड है अगर मोबाइल का टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है या फिर पर देर तक टच स्क्रीन के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप जो है वो पोर्टेबल कीबोर्ड अटैच करें अपने मोबाइल के साथ और कीज के थ्रू जो है वो अपना काम करें ठीक है अ की बोर्ड दैट कैन बी इजिली अटैच और रिमूव फ्रॉम अ मोबाइल कंप्यूटर एंड द एंडवाइस इज कॉल्ड पोर्टेबल की बोर्ड तेन इसके बाद आता है हमारे पास ओके okay, इसके बाद आता है हमारे पास इलेग्नोमिक कीबोर्ड ये कीबोर्ड जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्ट इंजरी आप सब जानते हैं जितना आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे आपके जो है वो उतना जो है वो आसा आता जो है पेन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है हमारी वेस्ट के अंदर तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए या वैसी कोई एक इंजरी को रिड्यूस करने के लिए इन की का इस्तेमाल किया जाता है कि यूज़र जो है वो अपने हैंड्स इसके ऊपर सेट करके वैसे ही यूज़ करे जिस तरह उसके हैंड दोनों ईजिली जो है वो की के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं इसके अंदर जो है वो कीज़ को दरमियान में से हाफ ऑफ कर दिया जाता है कि एक जो लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर आप अपना हैंड रख के इनका इस्तेमाल करें आसानी से देन इसके बाद गेमिंग की आते हैं जो गेम्स के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल होते हैं उसके अलावा वर्चुअल की आते हैं इज स्पेशल टाइप ऑफ कीबोर्ड यूजर कैन और इसके अलावा जो ज़्यादा इन्हैंस वर्जन में की जो अब रिसेंटली आए हैं वो हैं ऑप्टिकल वर्चुअल की अब यहाँ पर क्या होता है लाइट के थ्रू जो है यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड क्रिएट किया गया है यूज़र ने अच्छा ये सिंपल सर्फेस के ऊपर ना वर्चुअल की क्रिएट होता है आप सिर्फ़ इनके ऊपर प्रेस करेंगे तो वो एज अ की का ही काम करते हैं तो ये डिवाइस जो यूज़ होता है ये वर्चुअल की को जो है वो इनेबल uh, करने के लिए या वर्चुअल कीबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए डिवाइस यूज होते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द यूजर टाइप्स ऑन द ऑप्टिकल डिटेक्टेबल सर्विसेज और विद इन अ वायरलेस एरिया रेदर देन प्रेसिंग फिजिकल कीज ठीक है तो सर्फिस के ऊपर जैसे जैसे प्रेस करते जाना है वैसे वैसे हमारा की जो है वो चलता रहता है और ये जो है वो स्मार्टफोन्स वगैरह के अंदर ये चीज या ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है तो यहां तक जो है वो हमारे uh, कीज़ या कीबोर्ड की टाइप्स खत्म होती हैं इसके अलावा जो है हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस आपको बहुत अच्छे से पता है पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो होता है वो होता है हमारे पास माउस अब माउस का इस्तेमाल होता है जब हम लोगों ने पॉइंट करना हो स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल एरिया या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर स्क्रीन के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आपने चलाना है तब आपको माउस की जरूरत वहां पर पड़ती ही पड़ती है अब माउस के लिए आप लोग ब्लो कैरो पॉइंटिंग हैंड हेल्प सेलेक्ट ये डिफरेंट पॉइंटिंग के ऑप्शन होते हैं ठीक है आगे जी माउस क्या होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस है इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्क्रीन के अंदर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं अगर आप माउस को फ्लैट सर्फिस के ऊपर मूव करते हैं तो जो है है वो कर्सर हमारा स्क्रीन के ऊपर वैसे वैसे मूव होता रहता है। इसके अलावा माउस के अंदर ये बटन होते हैं राइट बटन होता है लेफ्ट बटन होता है या फिर ये व्हील होता है यहाँ पर ठीक है अब व्हील क्या करता है ये व्हील जो है वो पेज डाउन स्लो या स्क्रीन को मूव करवाने के लिए होता है राइट बटन के अपने फंक्शन होते हैं लेफ्ट बटन के कुछ इसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ माउस लिखी गई है सबसे पहले तो मैकेनिकल माउस आता है मैकेनिकल माउस जो सबसे पुराना यूज होता है यहाँ कह लें आप लोग बिल्कुल इनिशियल में जो यूज होता था वो था मैकेनिकल माउस इस माउस के बिल्कुल नीचे एक रबड़ की जो है वो आ, मेटल बाल इनसाइड होती है आप उस बॉल को क्या करते हैं जैसे हमारा माउस किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रखते हैं बॉल जैसे जैसे मूव करती है हमारा कर्सर वैसे वैसे स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं इसके अलावा ऑप्टिकल माउस होते हैं ऑप्टिकल माउस जिनके माउसेस के जिन, जिन माउस के नीचे जो है वो लेजर लाइट होती है ना वो हमारे पास कौन से माउस होते हैं ऑप्टिकल यहाँ पर बॉल नहीं होती है यहां पर क्या होता है लाइट होती है जो डिटेक्ट करती है माउस की मूवमेंट को जैसे जैसे माउस मूव होता है वैसे वैसे लाइट उसको डिटेक्ट करती है और स्क्रीन के ऊपर हमारा कर्सर भी वैसे वैसे मूव होता है इसके अलावा वायरलेस माउस होते हैं जिस तरह वायरलेस कीबोर्ड था कि आप बगैर वायर की कि आप किसी चीज के थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट करते हो अपने डिवाइस को माउस के साथ और अपना काम कर लेते हैं आता है एयर माउस अब एयर माउस जैसे कि इधर दिखाया गया एयर माउस वो होता है जो आप हाथ में रख के करेंगे आपको किसी सरफेस पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है माउस इन डायरेक्शन थ्रू द एयर यहाँ पर हम माउस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारा काम जो है वो होता जाता है उसके बाद जो आते हैं टच माउसेस आते हैं टच माउस इज माउस दैट that recognize a touch gesture it can also detect the movement of the mouse and traditional click and the scroll options to ye kya hota hai touch ke through jo kaam karega wo hota hai hamare paas touch mouse ये जो है touch mouse की उन्होंने आपको diagram बना के दिखाई हुई है ठीक है उसके बाद जो है हमारे पास ट्रैक बॉल आता है ट्रैक बॉल क्या होता है ये वो माउस होता है जिसके अंदर बॉल जो है वो अपर, अपर वाली साइड पर होती है माउस की जैसे कि पुराने माउस में बॉल हमने कहा था नीचे होती है यहाँ पर बॉल ऊपर वाली साइड पर होती है और यहाँ पर हमें माउस को मूव नहीं करना पड़ता हमें इस बॉल को मूव करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा अट्रैक बॉल कैन बी यूज एज एंटेटी आर ट्रैक बॉल कैन बी यूज एज एन आल्टरनेटिव टू अस दिस बटन सिमिलर टू लूज ऑन द माउस इट हैज अर्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप और इसी तरह हमारे पास इसकी बॉडी मूव नहीं होती है हम जैसे जैसे बॉल को रोल करेंगे फिंगर्स के थ्रू वैसे वैसे हमारा काम जो है वो होता जाएगा उसके बाद जी आ जाते हैं टच पैड या फिर टच ड्रैक पैड अब टच पैड जो जो लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल होता है वो टच पैड होता है फ्लैट सरफेस होती है उसके ऊपर आप जैसे जैसे अपनी फिंगर मूव करेंगे वैसे वैसे जो है वो कर्सर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होता रहेगा इसके अलावा इसके साथ दो बटन्स भी होते हैं जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है आपको ठीक है लेफ्ट बटन एंड राइट बटन डिफरेंट माउस के साथ टच पैड के साथ बटन्स भी होते हैं बटन्स का इस्तेमाल भी स्पेसिफिक टास्क को सिलेक्ट करने के लिए ओपन करने के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ये ज़्यादातर नोटबुक कंप्यूटर्स यानी कि हमारे पास जो होते हैं लैपटॉप्स वगैरह उनके अंदर टच पैड्स होते हैं उसके बाद आते हैं पॉइंटिंग स्टिक अब पॉइंटिंग स्टिक का क्या काम होता है पॉइंटिंग स्टिक जो पुराने कीबोर्ड से बहुत पुराने की बोर्ड जो होते हैं उनके यहाँ पर एक बॉल बनी होती है जी और एच की और बी की के अपर एरिया के साइड पर एक बॉल होती है बॉल कह लें आप लोग छोटा सा एक कह लें एक छोटा सा बटन होता है ये बटन प्रेस नहीं होता ये बटन क्या होता है मूव होता है आप फिंगर इसको जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे आपका स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव होता जाएगा क्लियर हो गया यहाँ तक ये तो थे हमारे पास माउस की टाइप्स या आप लोग कह लें पॉइंटिंग डिवाइसिस की टाइप उसके बाद जो है वो टच स्क्रीन आ जाती है हमारे पास टच स्क्रीन ज्यादा आप जानते हैं कि सेंसिटिव स्क्रीन स्क्रीन होती है आप इस स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे फिंगर्स के थ्रू जो जो फिंगर जहां जहां टच करते जाएंगे वहां वहां से एरिया सेलेक्ट होता जाएगा या काम होता जाएगा द यूजर कैन टच डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन विद द फिंगर्स और द स्टाइलस टू इनपुट डाटा एंड इशू कमांड्स ठीक है अब यूजर क्या करते हैं स्टाइलिस के थ्रू या फिंगर्स जो भी करते हैं यूजर जो है वो डाटा सेंड करने के लिए या फिर टच स्क्रीन के ऊपर आप एक पेन दिया जाता है उसको स्टाइलस बोलते हैं पेन के थ्रू अगर आप डाटा इंटर करना चाहते हैं किसी टच स्क्रीन के ऊपर तो आप वैसे कर लें इसके अलावा हम लोग फिंगर्स के थ्रू डाटा सेंड करते हैं या फिर फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अगर हम लोग लो एंड्रॉयड फोन्स की बात कर लें ठीक है अब एंड्रॉइड फोन के अंदर सारा काम टच स्क्रीन वाला होता है हम लोग टच करके जो है वो स्क्रीन के थ्रू हर चीज जो है वो परफॉर्म करते हैं उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एग्जाम्पल्स ए टी आजकल डिफरेंट मशीन आ रही है जो टच स्क्रीन के थ्रू काम करती है मोबाइल फोन आते हैं जो टच स्क्रीन के थ्रू काम करते हैं अब टच स्क्रीन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा दो टाइप्स हैं यहाँ पर एक है रेजिस्टिव एंड दूसरी कैपेसिटिव अब रेजिस्टिव क्या होती है टच स्क्रीन दैट हैव रेजिस्टिव स्क्रीन कैन सेंस द प्रेशर अब रेजिस्टिव जो है वो क्या करती है प्रेशर को करती है इट कैन बी यूज विदिंगर ऑर्डीनरी स्टाइलिस और अपने जो है वो फिंगर्स के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं या फिर आप लोग कह लें अ रेजिस्टिव स्क्रीन कैन आल्सो बी यूज बाय समरिंग ग्लव अगर किसी ने ग्लव पहने होंगे ना तब भी ये स्क्रीन के थ्रू वो काम कर लेगा लेकिन जो कैपेसिटिव होती है ना इसके अंदर क्या होता है अगर ये जो है वो डिज़ाइन की जाती है ऐसा चाहे या तो सिर्फ फिंगर से चलेगा या सिर्फ स्टाइलस के थ्रू चलेगी ये स्क्रीन अब यहां पर क्या होता है आप ग्लव पहन के इसका मे भी इस्तेमाल ना कर सके यहां पर आपको अपना एक स्पेसिफिक सेंस करवाना पड़ेगा जैसे अगर हमारी ये फिंगर है ठीक है तो हमें इस फिंगर का ये टाइप इसको सेंस करवानी पड़ेगी तभी ये जो है वो वर्क करेगा यहाँ पे लिखा कि हाई रैंडर्ड के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना उनके अंदर कैपेसिटिव जो है वो यूज होती है रेजिस्टिव का इस्तेमाल थोड़ा कम ही होता है ठीक है इसके अलावा पेन इनपुट पेन के थ्रू आप इनपुट कैसे देते हो यहाँ पर कोई एक्चुअल का जो रियल लाइफ के पेन है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं ठीक है इनपुट के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं ना वो स्पेशल डिजाइन किए गए होते हैं पेन जैसे कि यहाँ पर डायग्राम पर शो हो रहा है ये होते हैं स्टाइलस पेन इनका इस्तेमाल करके जब हम इनपुट देते हैं तो वो हमारे पास होती है पेन इनपुट होती है इसके अलावा डिफरेंट इनपुट इस्तेमाल होती हैं और डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होती हैं लाइक like अगर हम लोग बात कर लें ग्राफिक टैबलेट की तो ये एक स्पेशल डिज़ाइन टैबलेट होता है जिसके अंदर यूज़र यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करता है वैसी का वैसे का वैसा डिज़ाइन आपकी स्क्रीन पर क्रिएट होता रहता है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं इनपुट देने की जो कि आप लोग स्टडी करते हैं जो वक्त के साथ साथ आपको जैसे जैसे इन्वायरमेंट कह लें आप लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो इजाद हो रही है और उन्हीं का इस्तेमाल हो इनपुट है इसको भी जो है वो आप लोग देख लीजिएगा इजी है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है असल में ये सारी वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर रीड कर चुके हैं लेकिन इस मरतबा थोड़ा ज्यादा डिटेल के अंदर आ रहे हैं ओके तो डिजिटल पेन इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर हैंड और ड्राॅइंग एंड कन्वर्ट इन टू द डिजिटल फॉर्मेट अब डिजिटल पेन का इस्तेमाल होता है कि आप जैसे जैसे राइट करते जाते हैं वैसे वैसी चीजें आपकी हैंड रोड इसके अलावा आप लोगों का जो सी एन आई सी ऑफिसेस में जाके जो आप लोग करते हैं सिग्नेचर्स uh, वगैरह इंटर करने के लिए तो ये डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है जो हैंड राइटिंग के लिए इस्तेमाल होगा पेन या हैंड राइटिंग को एग्जैक्ट फॉर्म में जो है कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होगा वो डिजिटल पेन होगा इसके अलावा स्टाइलिश जो होता है ये माउस की तरह का काम कर माउस की तरह का काम करता है कि आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है किसी चीज़ को मूव करना है आप फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उस स्टाइलस का इस्तेमाल कर लें इसके अलावा ग्राफिक टैबलेट उन्होंने आपको दिखाई है मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्राफिक टैबलेट क्या होता है स्केच डिज़ाइन करने के लिए इमेज क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं डिजाइनर्स या फिर जो कह लें आप लोग आर्किटेक्चर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है वो डिफरेंट डिज़ाइनस क्रिएट कर सकें क्लियर हो गया यहाँ तक उसके बाद जो है वो गेम कंट्रोलर होता है गेम कंट्रोलर क्या होगा ये असल में वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर वीडियो गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं अब यहाँ पर गेम कंट्रोलर्स का इस्तेमाल होता है गेम्स को हैंडल करने के लिए और उसके लिए जो बेस्ट डिवाइस यूज होता है वो होता है जॉयस्टिक जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस है बेसिकली ये ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सिर्फ गेम्स खेलने वाले एरिया के अंदर या ऐसे हेल्थ गेम्स में यूज होगा जहां पर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जॉयस्टिक का इस यहाँ पर लिखा होगा कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टैक स्टिक इसके अंदर एक बेस होती है एक स्टिक होती है आप स्टिक को मूव करते हैं तो आपका कर्सर वैसे के वैसा मूव होता है

रियल व्यू को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है अब डिजिटल कैमरा की दो टाइप है एक तो होता है डीएसएलआर, दूसरा होता है हमारे पास पॉइंट एंड शूट पॉइंट एंड शूट का मतलब हुआ आपने पॉइंट किया शूट किया

इस कार्ड वीडियो कैप्चर कार्ड ओके तो अब्चर कार्ड्स का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है इस्तेमाल इसलिए हो रहा होता है ताकि जितने भी हमारे पास सिग्नल्स हमारे पास लोग सिग्नल आए उनको डिजिटल में कन्वर्ट करके तो सेव करवाया जाए तो के साथ साथ आगे जो है वो टू टाइप के कार्ड होते हैं एक होता है फ्रेम ग्रैबर कार्ड होता है दूसरा हमारे पास होता है फुल मोशन वीडियो कार्ड अब फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड क्या करता है ये फ्रेम्स लेते हैं ठीक है थेके? क्या करता है छोटे छोटे पार्टी छोटे, -छोटे बन जाते हैं उनको जो है वो कन्वर्ट करता है एनअलोगल में तो वो होता है फ्रेम ग्राफर कार्ड जो फुल मोशन होता है ये क्या करते हैं फुल मोशन को लेता है या फिर क्या सिंगल रेड एट अप टू थर्टी फ्रेम कह लें थर्टी टू फोर्टी फ्रेम जिसने एक कह लें यूनिट बना लेता है फ्रेम्स के उनको फौरन से साथ साथ जो है वो कन्वर्ट करता रहता है तो फुल मोशन वीडियो कार्ड जो है वो पूरी वीडियो को एक ही मत कन्वर्ट कर देबर वीडियो कार्ड क्या करता है छोटे छोटे फ्रेम्स को एक एक करके जो है वो कन्वर्ट करता है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वीडियो को कैप्चर करने के लिए या फिर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए ओके okay, तो वेब कैम भी डिजिटल कैमरा होता है लेकिन ये क्या करता है कैप्चर वीडियो एंड स्टिल इमेजेस इसके अलावा आप वीडियो या करना चाहते हैं तो वेब के आपको वहां पर हेल्प देंगे आप लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं वहां पर छोटा सा आपको यहाँ पर मैं करवा देती हूँ वीडियो कन्वर्जन या वीडियो कंप्रेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द साइज ऑफ वीडियो क्लिप्स इज कार्ड वीडियो कंप्रेशन किसी चीज का बड़ी लार्ज डेटा को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर लेना उसको कंप्रेस कर देना उसको प्रेस करके थोड़ा छोटे एरिया में रख देना तो वो होता है कंप्रेशन यहाँ पर वीडियो कंप्रेशन ये होता है कि लार्ज वीडियोस का साइज मिनिमम करके उनको कंप्रेस कर दिया जाता है तो वो यहाँ पर क्या होता है वीडियो कंप्रेशन हो जाती है ओके जी स्कैनर्स आप लोगों ने जो है वो आपका होमवर्क है आप लोगों ने स्कैनर्स कंप्लीट कर लेने हैं उसके बाद हमारे पास रैजन है ऑप्टिकल रीडर्स ये इनशाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी कि ऑप्टिकल रीडर्स क्या होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है हम उनका यूज़ किस तरह करेंगे तो आप लोगों ने ऑप्टिकल रीडर्स का इस्तेमाल करना जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सिखा दूंगी उसके बाद जो है वो हमारा चैप्टर तकरीबन कवर होने वाला हो जाएगा सो so, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक हम कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए और देन हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव कर दें सो so, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज